गुड मॉर्निंग भाई सबको। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बात कर लेते हैं कहाँ हो सकती है। बट अगर आप मेरे मॉर्निंग वीडियोस या इवन जो इवनिंग लाइव्स हैं वो आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो मैं लगातार बता रहा था केल्टनर चैनल पे टारगेट बनता है निफ्टी का 21,800, और वहाँ से बहुत शार्प बाउंस ले सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ओवरसोल्ड रहेगा। ठीक है, तो दो तरह के ट्रेडर्स हैं इस मार्केट में जिन्होंने 21,800 पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक एग्जीक्यूट कर ली। जिस दिन गैप डाउन हुआ था उस दिन पब्लिक वीडियो बनाया, मेंबर्स वीडियो बनाया, प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट बुक नहीं किया तो सब जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के ट्रेडर्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया, कॉल्स भी उठाए 21,800 पर। वो चाहते हैं मार्केट गैप अप हो, जो गैप है ना 22,500 का भी चार्ट पे दिखाऊंगा, वो चाहते हैं वो फिल करके, कॉल्स महंगे से महंगे हो जाएंगे है ना, और पुट वहाँ पे सस्ते मिलेंगे। और जो नेकेड है उसका तो फ्रस्ट्रेशन चल ही रहा है कई सालों का, गिरता ही नहीं है यार, हर बार बाउंस आ जाता है। हाँ तो ऐसा ट्रेड करो ना कि बाउंस आए तो उसका फ़ायदा उठाएं, ऐसे करो ट्रेड। ठीक है, तो जिनके पास हेजिंग पेयरिंग के कॉल्स हैं या जो नेट लॉन्ग हुए 21,800 से, उनके लिए गैप अप और रैली ये सब अच्छा है। ठीक है, फिलहाल 22,400 के आसपास खुलते हुए अपन दिख रहे हैं। आज यहाँ से बात करते हैं यहाँ से कहाँ जा सकता है ना, और फिर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। उसके लिए HDFC बैंक का एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ HDFC बैंक जाएगा वहीं फिन निफ्टी जाएगा। फिन निफ्टी में और ज़्यादा वेटेज है, बैंक निफ्टी में तो है ही। तो सीधा स्क्रीन पे चलता हूँ। देखो पहले ग्लोबल मार्केट देखो, ये जिस तेज़ी से गिर रहे हैं उसमें ये बाउंसेस आना ये ठीक है ना, मतलब ये अच्छा है। अगर नीचे जाना है तो बाउंसेस ज़रूरी हैं, जैसे कि ये एक बाउंस आया, ये एक बाउंस आया, ये एक बाउंस आया है ना, इधर एक बाउंस आया, इधर एक बाउंस आया, और ये भी एक बाउंस आया है ना। बाउंस थोड़े बड़े हो रहे हैं अब क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया था। तो अगर मार्केट को नीचे जाते रहना है तो ये बाउंसेस अच्छे हैं। ठीक है, तो पोजिशनली व्यू कुछ चेंज नहीं है, ये सब बढ़िया है। इनफैक्ट कल क्लोजिंग आखिरी 2 घंटे में ये नीचे आ गया था S&P, है ना, 5,040 तक गया था। इसने अपने गेंस लूज किए हैं। ठीक है, जापान वगैरह देख लेते हैं आज क्या चल रहा है। जापान की डेली कैंडल ठीक है, अपना इंडिया ही है ज़्यादा बुलिश, बाकी सब ठीक है। तो यार फिन निफ्टी के लिए अपन ज़रा HDFC बैंक देख लेते हैं, और रिलायंस के रिजल्ट भी हैं थोड़ा सा वो भी देखेंगे, केल्टनर चैनल पे देखेंगे। तो HDFC में बैंक में बनाया डार्क क्लाउड कवर है ना, जो कि ठीक ठाक रिलायबल इंडिकेटर होता है इंडेक्स का स्टॉक के नीचे जाने का है ना। एक बुलिश ग्रीन बुल ट्रैप और लगभग डे लो क्लोजिंग, और आज गैप डाउन ही होना चाहिए। देखो इसके जैसे आपके रिजल्ट आए हैं रिटेल बैंकिंग में, जिस तरह से परफॉर्म किया इन्होंने है ना, 90% उनका बिजनेस ही उड़ गया रिटेल बैंक जैसा रिजल्ट में दिख रहा है ना, उस पर डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो ये पनिश तो करेगा है ना मार्केट HDFC बैंक में, और लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है HDFC बैंक में। तो जो हाल HDFC बैंक का है वही आगे कई स्टॉक्स का होगा कि कई साल चलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो नीचे ही जाना चाहिए आज है ना, डार्क क्लाउड कवर बनाए। और यहाँ पे आवरली पर डेली पर ये ओवरबॉट में आता है, और जब भी ओवरबॉट में आता है एक रिवर्सल की शुरुआत होती है, तो ये बस शुरुआत है मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, फिर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और मैं फिर अपना ट्रेड प्लान भी बताऊंगा है ना। फिर निफ्टी पर देखो आप, गैप अप ओपन हुआ बढ़िया, और नीचे से बाइंग आई, ये गैप अभी तक फिल हुआ नहीं है ये वाला है ना, तो हो सकता है आज ही गैप फिल हो जाए। कहाँ तक का, 21,484, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर है तो बहुत मुश्किल, बट यू नेवर नो, HDFC बैंक में एक स्पाइक आए और ये कर दें इतना, और ज़रूरी नहीं है गैप फिल हो है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कोई ऐसा ये वाला गैप नहीं है कि ये फिल करे ही करे, यहाँ पे ट्रेड्स हुए हैं इस जोन में है ना। मेन इंपॉर्टेंट गैप है वो 20,300 वाला, वहाँ कभी ट्रेड ही नहीं हुए ना, FII के ना DII के ना डिटेल के, इस जोन में तो हुए हैं। ठीक है, तो इसका ये सीन है। कैल्टन चैनल को देख लेते हैं ज़रा इसको,
देखो मार्केट जब लाइफ टाइम हाईस पर होते हैं या रिवर्सल दे रहे होते हैं रेंज में वोलेटाइल स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैंडल चैनल रिलायबल होती है ना। और आप देखो ये चल भी रहा है, तो ये आया अपर बैंड क्रॉस किया, फिर लोअर बैंड, फिर वहाँ से बाउंस आया और अभी यहाँ पर है ना। ओवरली पर देख लेते हैं तो गुंजाइश है इसमें ऊपर जाने की थोड़ी बहुत, बट ओवरली पे देखते हैं। ओवरली पे ऑलरेडी अपर बैंड पर है और वहीं से रिजेक्शन लिया है, तो एकदम शॉर्ट टर्म पे कोई भी गैप अप देखा मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। नेट शॉर्ट है ना, नंगा शॉर्ट नहीं। पहली फुर्सत में 22,500 के आसपास दिखा कहीं भी निफ्टी, है ना, जो गैप है निफ्टी पर। निफ्टी के चार्ट पे भी चलते हैं अपन, ठीक है। फिन निफ्टी का क्लियर है, HDFC बैंक फिन निफ्टी दोनों अपर बैंड पर हैं, दोनों में नीचे के ही चांसेस ज़्यादा हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी भी कल्टर चैनल के अपर बैंड पर है। यहाँ पे देखो यहाँ कॉल्स उठाना बनते ही है भाई, इतना बड़ा मूव राइट करके पुट में प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर क्या किया फिर, है ना। प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक और कॉल्स, तो ये गैप अप ओपन होगा 22,400 वगैरह ये आता है तो क्या अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए नेट शॉर्ट की, बिल्कुल, है ना। तो अभी इतना दिक्कत नहीं है, मतलब एनालाइज करने में सिंपल ही है। तो इसमें जो गैप है, ये वाला गैप की बात कर रहा हूँ, 22,500 के आसपास है ना, 22,500 हो सकता है ये फिल कर दे, है ना। ये भी इतना पास तो नहीं है, ऑलरेडी मार्केट रैली कर चुका है, लेकिन कैंडल चैनल के ऊपर चला जाता है मार्केट, है ना, तो बेहतर शॉर्ट बनता है। तो 22,400 से 22,500 के बीच आज मैं जो भी कॉल्स उठाए थे यहाँ पर वो पूरी तरह से निकल जाऊँगा, है ना, अप्रैल मंथ के मंथली एक्सपायरी, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। कॉल्स में गेंस लूज नहीं करना, 200 पॉइंट मिले, 200 पॉइंट गिरेगा तो सारे कॉल्स चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ प्रॉफिट आज मैं पहली फुर्सत में बुक करूँगा 22,400-500, वहाँ से नेट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा डिपेंडिंग ऑन रिलायंस, HDFC बैंक और जो हैवी वेट्स हैं ICICI, ये सब कैसे चल रहे हैं। कल तो FIIs ने इंडेक्स मैनेजमेंट ही किया, HDFC डाउन तो ICICI अप, और इसी तरह से चलता रहा, ठीक है। ये है कैल्टनर चैनल पे सीन, फिलहाल इतना ही काफ़ी है यार। गैप अप ओपन हो बढ़िया, नेट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, सिंपल है ना। कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट में मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा जो भी व्यू होगा। एक बार और देख लेते हैं क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी वही है ना, 22,300-400। गोल्ड वगैरह काफ़ी बिटे हैं, वो सब मैक्रोस पर डिटेल में बात कर लेंगे ना शाम को लाइव, फिलहाल ही मॉर्निंग व्यू है। फिन निफ्टी एक्सपायरी अगर HDFC बैंक जिसमें मूव पेंडिंग है नीचे का ना, जिसमें जस्ट अभी शुरुआत हुई है, अभी भी आवरली पर ये ऊपर ही है ना फिन निफ्टी, तो ये 21,200 के आसपास इसका मिडिल बैंड है, यहाँ तक बड़े आराम से आ सकता है। और अगर FIs ने चाहा है ना तो इतना भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। HDFC बैंक भी देखें अगर, तो इवन कल नीचे आने के बाद भी ये कोई ऐसा ओवरसोल्ड वगैरह नहीं है ना, ये मिडिल बैंड पर नीचे तक का स्कोप है इसमें, 1,496-1,500 पकड़ लो, ठीक है। बिल्कुल देखो कितना परफेक्टली चल रहा है सब, डेली पर जस्ट इसने रिवर्सल लिया यहाँ पे, तो एक्चुअली फ्रेश नेट शॉर्ट बन सकता है ना, जैसे यहाँ बना था सब। तो रिजेक्शन कैंडल अपर बैंड से आ रही है, और क्या चाहिए, ठीक है यार। तो नेट शॉर्ट का व्यू है, एक्सपायरी बहुत नीचे हो सकती है फिन निफ्टी, रेडी रहो उसके लिए किसी भी दिन, है ना, क्योंकि US मार्केट देखो तो 4-5% नीचे है अपने हाई से और हम सिर्फ 1-1.5% नीचे हैं, तो एक मूव पेंडिंग है भैया निफ्टी में ना, कभी भी आ सकता है, ठीक है। मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ कम से कम 30 जून तक, इलेक्शंस तक। और दूसरी बात, हाँ ये जो बाउंस आया है निफ्टी में, जो बाउंस आया है ये मैं आपको क्या बोल रहा था, ये अपॉर्चुनिटी रहेगी जून की पोजीशन बनाने की, है ना। मैंने व्हाइट बोर्ड सेशन जो किया था, व्हाइट बोर्ड वाला, ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। व्हाइट बोर्ड वाला सेशन मैंने यहाँ कहीं किया था जब निफ्टी 22,700-26,000 था, इतना मूव आ सकता है। और उसके बाद मेंबर्स कम्युनिटी में वीडियोस में ये भी बात हुई थी कि ये बाउंस आता है अगर तो जून की पोजीशन बिल्कुल बिंदास बनानी चाहिए, तो अभी भी मौका है जून की, है ना, इलेक्शंस के लिए ट्रेड करो, छोटा मोटा वीकली वीकली में मत
ज़्यादा पैसा नहीं डालो, 80-20 रूल होना चाहिए मनी मैनेजमेंट का, उसके बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ थोड़ी देर में।